नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एमपी पटवारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2022 की जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में आपको 2017 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही है और ऑल डिस्ट्रिक्ट में एमपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से कहाँ तक रही है, तो हम आपको मध्य में बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक सभी डिस्ट्रिक्ट में रही है। इसके मध्य हम आपको यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं, टारगेट लक्ष्य बता रहे हैं कि आपको इस टारगेट लक्ष्य को तैयार करने का प्रयास करना है। यदि आपने इस टारगेट लक्ष्य को टच कर लिया या इससे ऊपर लेकर आए तो आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांस रहेंगे। तो आपको टारगेट लक्ष्य मानकर इसे तैयारी करना है, क्योंकि आप में से किसी के कमेंट ये भी आ सकते हैं कि सर अभी तो फार्म नहीं डले हैं, आप टारगेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं। तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ टारगेट लक्ष्य लेकर आए हैं कि 2017 में इस प्रकार था, 2022 में इस प्रकार रह सकता है, तो इस आधार पर आपको तैयारी करना है। तो देखें, सबसे पहले हम एक नज़र डाल ले रहे हैं 2017 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ की। तो 2017 में मेल के लिए थी 80 से 85 तक गई है, फीमेल 75 से 80 के मध्य रही है, ओबीसी 77 से 82 के मध्य रहा है, 73 से 78 के मध्य था फीमेल में। एससी की बात करें तो 72 से 77 के मध्य, एसटी की बात फीमेल की एससी की बात करें तो 70 से 75 के मध्य सिलेक्शन हुआ है। एसटी में बात करें तो 67 से 72 के मध्य सिलेक्शन हुआ है और फीमेल में भी 67 से 72 के मध्य सिलेक्शन हुआ है। 2017 में ईडब्ल्यूएस लागू नहीं हुआ था, इस कारण से ईडब्ल्यूएस की हमने फाइनल की कट ऑफ नहीं दी है और ना ही फाइनल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की बनी थी। अब आपको यह टारगेट लक्ष्य क्या रखें कि आप 2022 में आपकी जो सिलेक्शन है वह हो सके। तो देखें, 2017-2022 का टारगेट लक्ष्य हम जो कट ऑफ दे रहे हैं, हमने जितनी मैक्सिमम कट ऑफ दी हैं अधिकांशतः हमारी कट ऑफ सटीक गई हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। अभी हमने गत वर्ष समय में वर्ग दो की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, 2 दिन पहले बताई थी और 2 दिन बाद हकीकत में रूप ले चुकी थी। तो आपको टारगेट यहीं पर प्राप्त करके रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पटवारी पद संख्या की। तो 6,755 पद संख्या है पटवारी की। पूर्णांक पिछली बार 100 था, लेकिन इस बार जो पूर्णांक है वह परिवर्तित है, पूर्णांक आपका 200 का है। सब्जेक्ट आपके 4 हैं, सॉरी 8 सब्जेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ में टारगेट क्या रखकर आपको तैयारी करना है। तो यूआर में हमने जितनी कट ऑफ बनाई है, अभी तक हमने जो भी कट ऑफ तैयार की उनका जो सिलेक्शन हुआ है यूआर में 80 से 85 के मध्य हुआ है। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी ने टारगेट लक्ष्य में 85% अंक लाए हैं तो उसका सिलेक्शन अभी तक हुआ है, तो वही टारगेट लक्ष्य आपको रखना है। तो देखिए, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, 170 से 180, अर्थात टारगेट लक्ष्य आपको रखना है 85%। आपको 85% अंक लाने का प्रयास करना है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अभी तक अधिकांश से अधिकांश कट ऑफ है 80% पर कवर हुई है। नीचे आ जाता है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको टारगेट यही बनाकर चलना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए। सिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो टारगेट आपको ही रखना है। इसके बाद 160 से 170 और ओबीसी को टारगेट लक्ष्य आपको 82% रख के चलना है। एससी की बात करें तो एससी में टारगेट लक्ष्य आपको, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 150 से, ये आपका टारगेट है या लक्ष्य है। एक सौ पचास से 160 के मध्य। और वहीं टारगेट लक्ष्य की बात करें तो टारगेट लक्ष्य आपको
77% का रखना है। एसटी की बात करें 140 से 150 के मध्य। वहीं टारगेट की बात करें तो आपको टारगेट 74% का करके चलना है। ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का टारगेट भी वही रहेगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसी के मध्य रह सकती है। टारगेट भी आपको 82% रखना है। यह था मेल के लिए। अब हम बात कर ले रहे फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए थोड़ा सा कोई अधिक गिरावट नहीं मिलेगी, 160 से 170 के मध्य। वहीं लक्ष्य की बात करें तो आपको लक्ष्य रखना है आपको 82% प्राप्त करने का। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 155 से 165 के मध्य। टारगेट आपको 80% लेकर चलना है। एससी की बात करें तो 145 से 155 के मध्य आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। टारगेट आपको 75% रखना है। एसटी की बात करें तो 135 से 145 के मध्य एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। टारगेट आपको करके चलना है 72%। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम रहेगा, रह सकता है 155 से 165, और दोनों का टारगेट लक्ष्य आपका 80% रखना है। यदि आप इस तरह की तैयारी करते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस मैक्सिमम रहेंगे। आपको प्रयास करना कि आपका रिजल्ट इसके अंतर्गत आ सके। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।